उन्होंने बच्चे अज उन्होंने इस दिन ते परफॉर्म करते देख के और एक सुरता आपस दे विच एक सार चलन दी परेड का मतलब है एक सार चलना। अज परेड देख के उन्होंने मापियां नूं उन्होंने घरदियां नूं उन्होंने परिवारों नूं बहुत खुशी हुई होनी और साडे लई माण की गल यह है खुशी की गल यह है कि उही जवान ने जिहड़े दिन रात साडे सुरक्षा दे लई तैयार रहिंदे ने जिहड़े मर्जी डिपार्टमेंट दे विच इन्हां दी ड्यूटी लग जाए ये अद्धे पौने घंटे दे विच अपना चार्ज संभाल लैंदे ने। जिस वेले असीं अपने परिवारां नाल गर्मियां दे विच एसी ला के सुते पए हुंदे आ रात नूं तां उस वेले ये जवान सड़कां ते ड्यूटी कर रहे हुंदे ने ताकि साडी नींद नूं कोई डिस्टर्ब ना करे। जिस वेले असीं सर्दियां च हीटर ला के अपने परिवारों के नाल अपने घर सुते पए होंने उस वेले यह कड़ाके की ठंड के धुंद के थाणियां च नाकियां ते सड़कां ते मोड़ां ते ड्यूटियां कर रहे होंगे ने छापे मार रहे होंगे ने अपराधियों का पिछा कर रहे होंगे ने ताकि साडी नींद डिस्टर्ब ना हो। सो ये बहुत माण वाली गल है इस ड्यूटी की किसी करंसी च कोई कीमत नहीं मापी जा सकती कि इन्हों किन्ने पैसे देिए इस ड्यूटी नूं करन दे क्योंकि बहुत सारे जवान जिहड़े ने साडे ड्यूटी दौरान शहीद भी हो जाते हैं कोई कीमत नहीं मापी जा सकती इस गल। सो मैं डीजीपी साहब नूं इस गल की बधाई देऊंगा और अरुण पाल जी जिहड़े जेलों का काम देखते हैं उन्होंने बधाई देऊंगा उन्होंने सारी टीम नूं बधाई देऊंगा कि डिसिपलिन दे विच जदों फौजां होण जदों सुरक्षा बल डिसिपलिन दे विच होण तां दुनिया दे विच कोई भी मंजिल इहो जिही नहीं हैगी जिहड़ी सर ना कीती जा सके। असीं बहुत सारे पुलिस दे विच सुधार शुरू कीते ने मैं जदों मैंबर पार्लीमेंट सी संगरूर तो ही मैं उदों तो मेरा एक असूल रहा है क्योंकि प्रोटोकॉल ड्यूटी लगती है छोटे तो छोटा कोई सिपाही बड़े तो बड़ा कोई अफसर जिदी रस्ते ड्यूटी लगती है प्रोटोकॉल सुरक्षा वो सलूट मारदा मैं एक भी सलूट अनअटेंडर नहीं छड़दा मैं सलूट का जवाब हरेक का दिना। एक दिन की होया मैंबर पार्लीमेंट सी मैं मुक्तसर माघी का मेला सी माघी के मेले चो रैली करके निकले तो मैं फोन पर लग्या होया सी तो मैं मेरे मुंडा जो गड्डी चलाउंदा सी उन्हें कहा कहिंदा जी पिछे एक ट्रैफिक पुलिस वाला मुंडा खड़ा सी चौंक ते उन्हें सलूट मारिया सी तुसी उदों फोन ते सी मैं गड्डी यू मरवा के वापस गया उतर के आप उहदे कोल जाके उहनूं सलूट करके आया कि मैं इधर उधर मेरा ध्यान सी क्योंकि सल्यूट का मतलब है जे सल्यूट का जवाब नहीं देंदे ये बिल्कुल उदां दा ही लगता जिवें आपां किसी नूं हाथ मिलाउण वास्ते हाथ कढ़ीए ते अगों अगला कढ़े ना। सो उस तों बाद मैं मन च सोचा जे किते सत्ता चाहे एक आह काम शुरू करना है कि जिन्नी भी नफरी है 80,000 के नेड़े नफरी है हरेक दे असी डेट ऑफ बर्थ लैने बड़ा शानदार एक जन्म दिन वाले दिन डिपार्टमेंट वालों डीजीपी द्वारा साइन किया हुआ है तो मेरे द्वारा साइन किया हुआ है एक जन्मदिन की मुबारक का कार्ड हर एक को जी बहुत सारे को आया भी होना थोड़े को बच्चों ये प्राउड हो जाता है बच्चे जाके अगले दिन स्कूल दिखाते हैं मेरे पापा कार्ड आया मेरे पापा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट नहीं तो चोरियों जन्मदिन मनाने पैंते छुट्टी नहीं मिलती किसी ने बटाना पैंता मैं तेरे वाले बारी ड्यूटी कर दूँ तू मेरे वाले बारी कर दी चोरी की पुलिस थोड़ी है यार साडे पुत भतीजे हो साडे चाचे ताए हो ड्यूटी ड्यूटी ठीक है अलग गल है कि ड्यूटी थोड़ी सख्त है पर घट्टो घट परिवारक भी तो सोशल लाइफ भी तो रहनी चाहिए। सो असी हुणे हुणे नवीं गड्डियां बिल्कुल ब्रांड न्यू गड्डियां नवीं 92 वो जिहड़ियां पंजाब पुलिस नूं दित्तियां ते नाल मैं डीजीपी साहब नूं इह कहा कि आपां हुण इस बार गड्डियां नवीं जिहड़ियां ने
वह वंडनी थलों शुरू करा चौंकी वाले मिल जाए ना जो गड्डी नवी क्योंकि अपराधियां मंगर तो उन्हें भजना होंगे होंगे कि तहां तो गड्डिया शुरू हो जाए ने जो तक चौंकिया तक पहुंच दिया ने उ तक तो मतलब उन्होंने हालत बाड़ी हो जाए थलों शुरू करते हैं नवी गड्डिया थाणियों मिलनगियां नवी गड्डिया चौंकियां मिलनगियां नवी गड्डिया बिल्कुल अपडेटेड उन्हें च मोबाइल का सैटेलाइट रडार लग्या होगा अजकल बहुत सारा साइबर क्राइम बढ़ गया सो असी भी अपडेट रहना गूगल नाल गल चल रही है मैं जदों गया सीगा बैंगलोर तो गूगल दे जिहड़े इंडिया दे हैड सीगे उन्हां दे अधिकारी जिहड़े आए सीगे उन्होंने सानू कहा कि असी पंजाब पुलिस नूं बिल्कुल अपडेट कर देंगे और इस तरह की टैक्नोलॉजी लावांगे कि जे कोई फोन करूगा एमरजेंसी ते जिहड़ी उहदे सब तो नेड़े वाली गड्डी है जां मोटरसाइकिल है उहदे च फोन भेजूगा ताकि वह छेती पहुँच सके उत्थे हथियारां दा क्योंकि बॉर्डर स्टेट है रोज़ लड़ना पैंदा रोज़ कोई ना कोई ड्रोन आउंदा एंटी ड्रोन सिस्टम वास्ते असी बहुत सारी टैक्नोलॉजी जिहड़ी लैके आ रहे हैं क्योंकि जेल विभाग दे बहुत सारे जवान इत्थे खड़े ने बड़ा औखा हो जाता है असी की कर रहे हैं अपडेट कर रहे हैं जेलों के विचों जो क्राइम होंदा है उन्हें रोकिए एक होर जिहड़ी मुश्किल आउंदी है वह हैगी पंजाब पुलिस नाल ते जेल के कैदियों नाल रिलेटड मैं दो तीन जेलों का दौरा किया कई कैदी यहोजे मिले कि उन्होंने पेशी जिहड़ी है वह पेशी तो नहीं पहुँच सके उन्हों की जमानत हो सकती सी जां रिहाई हो सकती सी कारण की रहा कि पंजाब पुलिस कोल उन्नी नफरी नहीं सी कि उन्होंने अदालत तक लै जाने तो फिर असी कि कहा कि ये इंसाफ नहीं हो रहा है तो गल का भी पेशी तो टाइम पर पहुंचे अगे अदालत है मान योग चाहे उन्होंने दोबारा भेजे उ चाहे बरी करे जवान देवे सो असी 100 करोड़ रुपया केंद्र सरकार गृह मंत्रालय तो असी मंजूर करा लिया लुधियाने के नेड़े गोरसिया कदरबख्श पिंड है 50 एकड़ जमीन असी पंचायत तो लीज ते लई है एक हाई सिक्योरिटी डिजिटल जेल बनावांगे उहदे विच ग्राउंड फ्लोर ते कोर्ट होगी जजां दे बैठण लई जगह होगी जजां दे कैबन होणगे उहनां दे बैठण लई और उहनां दे कमरा होगा उत्थे उपर सारा कैदियां वास्ते होगा उत्थे जिहड़े बहुत ज़्यादा समाज लई खतरनाक ने हार्ड कोर कह देने जिन्होंने उन्होंने अपराधियों उत्थे रखा जाऊगा ताकि जेल चो अदालत तक अदालतों जेल तक लैके जाने वेले पेशी वेले जो घटनावां होंदिया ने जां कोई मोबाइल फड़ा दिंदा कोई भज ही जांदा है वह घटनावां ना हो सकन जज साहब उत्थे आया करनगे उत्थे ही जिहड़ी उन्हूं जिस 14 दिन की बधाउणी है 6 महीने की बधाउणी उहदी पेशी उत्थे ही पै जा करूगी बाहर जाने की लोड़ नहीं पैणी ये 100 करोड़ रुपया असी मंजूर करा लिया लुधियाने के नेड़े बनावांगे ताकि सारे पंजाब च जजेस नूं भी आना जाना 2 घंटे 2.5 घंटे का रास्ता रहे सो ये वास्ते सारा प्रबंध कर लिया और मोहाली के सैक्टर 68 विखे एक एकड़ प्लाट की खरीद असी खरीद कर ली है जेल विभाग का मुख्य दफ्तर जिहड़ा असी उत्थे डिजिटल दफ्तर उत्थे बनावांगे ते जिहड़ी मोबाइल जैमिंग टैक्नोलॉजी है वो भी वर्क चल रहा है बड़ी जल्दी वह भी लागू कर देंगे बाकी चंगे आचरण वाले जिहड़े कैदी ने उन्होंने अपने परिवार को मिलने असी परिवारक मुलाकात भी शुरू की हुई ने मैं गया जेलों के मैं उत्थे जाके यही कहा सीगा कि चलो वो दिन भुल जाओ जिस दिन तुसी ये कर बैठे माड़ा दिन सी हो गया जिवें मर्जी हो गया कोई दिन माड़ा आ गया पर हुण तुसी जदों बाहर जाओगे तुसी दस्सो जाके लोगों नूं कि भाई कानून के मुताबिक चलांगे तो अपने परिवार च रह के रोटी खा लांगे जे कानून तोड़न की कोशिश करोगे जेल च भावें जिन्नी मर्जी सहूलत दे दी है पर जेल जेल ही होंदी है सो इस करके जो आप कहेंगे तो लोग थोड़े जे जिहड़े अपराधी वृत्ति दे ने ओ इस गल तो पिछे हटणगे कि नहीं यार किन्ना चिर बच लेंगे 2 महीने बच लेंगे 3 महीने बच लेंगे एक दिन तो फड़े जाना ते नाल नाल उन्हां नूं ट्रेनिंग उत्थे भी दिंदे असीं कंप्यूटर जिवें थापर इंजीनियरिंग कॉलेज ने नाभा जेल दे विच कंप्यूटर दीआं क्लासां चलाईआं होईआं ने अपना कपूरथले वाली जेल दे विच रेडियो चलदा है
जेल दे विच्ची उत्थे ओ बहुत सारी चीजां बनाउंदे ने काम सिख रहे ने ताकि जिंदगी दा ओ टाइम चाहे साल चाहे दो साल जां तीन साल फिर दस दस साल भी हो गए ओ टाइम जिहड़ा उहनां दा इह ना मन्नण हो के जिंदगी दा इह टाइम मेरा खराब हो गया वो कुछ ना कुछ सीख के बाहर जाण तां बाहर जाके किसे किते लग सकदे ने हारे लग सकदे ने और जिन्हां दा डिजर्व करदे ने जिहड़े पुलिस नूं असीं पुछदे हां जिला प्रशासन नूं पुछदे हां हर कैबिनेट दे विच घट्टो घट्ट चार तों पंज कैदी जिहड़े ने असीं उहनां दे रिहा करन दे हुकम दे दिंदे जिन्हां ने अपनी सजा पूरी कर ली फिर भी बैठे ने जां थोड़ी बहुत रहिंदी है पर चंगा आचरण है छड्ड सकदे हां वो असीं हर कैबिनेट दे विच करदे हां कल नूं भी मानसा दे विच कैबिनेट है कल नूं भी चार कैदियां दा जिहड़ा आऊगा तो कैबिनेट पास करूगी तो गवर्नर साहब नूं भेजूगे सो असीं चाहुंदे हां कि तुहानूं ड्यूटी करन वेले कोई दिक्कत ना आवे और तुहानूं परिवारां च अपने परिवारां च भी खुशी गमी दे मौकियां च शामिल होण दा भी मौका मिले कुछ मंगां ने जिवें सिंथेटिक एथलैटिक ट्रैक बनाउणा है 4.5 करोड़ रुपये की मांग की गई है ऐसे ट्रैक नूं मैडम आही ट्रैक इसे ट्रैक नूं सिंथेटिक ट्रैक बनाउणा है अगले साल जदों परेड होगी तुसीं सिंथेटिक ते तुर रहे होंगे सिंथेटिक ट्रैक बनाओ ते होस्टल ते 500 जिहड़े ट्रेनीज ने उहनां लई रिहायश दा इत्थे प्रबंध करना है होस्टल ते जिहड़े अपार्टमेंट ने वह थोड़े पुराने हो चुके ने सो होस्टल वास्ते 3 करोड़ रुपए की मांग की गई है मैं तो कहना घट की है तुसीं ते होस्टल वधिया बनाओ खुला कमरा होण खुला उत्थे वधिया शानदार बाथरूम होण सो होस्टल वास्ते 3 करोड़ रुपया वह भी मंजूर किया जाता है वध हो गया बजट तां भी मंजूर कर लेंगे कोई गल फायरिंग रेंज वास्ते 25 लाख रुपया वह भी बिल्कुल जायज है मंग फायरिंग रेंज के प्रैक्टिस होंदी है और अजकल अपराधियों को बहुत लेटैसट हथियार टैक्नोलॉजी आ गई तो साढ़े को भी ट्रेनिंग हो ही चाहिए है तो सारे कंपलैक्स दियाँ सड़कों वास्ते 25 लाख रुपया सो टोटल 8 करोड़ हो गया 8 करोड़ रुपया बड़ी जल्दी पंजाब पुलिस के खाते च आजूगा तो तुहानू उस डिपार्टमेंट के मुताबिक तुसीं अपना काम शुरू कर लियो तो ये इस गल की गरंटी साड़ी इस गलों है कि तुसीं साडे लई इन्नियां जाना और इन्हें अपने सीने तान के खड़े हो जदों भी कोई दिक्कत आती है देश से संकट आता है चाहे इंटरनल होवे चाहे कोई इत्थे होर कोई दिक्कत होवे तुसीं खड़दे हो तो साडा फर्ज बनता है कि तुहानू दुनिया की जे वधिया पुलिस बनाउणा है तो दुनिया के सब तो वधिया टैक्नोलॉजी तो दुनिया के सब तो वधिया सहूलतां भी थोड़े कोल होने चाहिए ने ताइयों आपां जिहड़ा टारगेट जिहड़ा अचीव करांगे जेल डिपार्टमेंट दीआं कुछ मंगां ने दस दे दे क्योंकि अजकल टेक्नोलॉजी इन्नी आ गई कि तुसी किसी भी टैप फोन नंबर का फेक फोन नंबर यूज कर सकते हो लगता कनेडा तो आया कर रहे इतों होंगे है सो टेक्नोलॉजी है जेल डिपार्टमेंट दीआं कुछ मंगां ने दस करोड़ रुपया तुसी हाँ जी जिथे कैदी जिहड़े ने फैक्ट्रियां च काम करते ने उन्हें मशीन लैके देनिया तो उन्होंने काम रॉ मटीरियल वगैरह 10 करोड़ रुपया मैं पहले ही कहा कि उन्होंने जेल का जिहड़ा समय वह यह ना लगे उन्होंने कि जिंदगी जरा इन्ने साल बेकार गए उत्थे कोई काम सीख के बाहर जाके उही काम शुरू कर लैन जिस दिन उन्होंने रिहाई होगी मानयोग अदालतों वालों 10 करोड़ रुपया तो 351 नवीं पोस्टा तो एक विमन जेल गया उन्होंने चक्कन जाना है कोई नहर के कोई लाश तुरी जाती है पुरानी कोई नहीं कितों नहर आ रही है तो लाश तरी जाती है वह भी उन्होंने कढ़नी है बहुत ज़्यादा बर्डन है सो असी इनू घटाने वास्ते मैं DGP साहब नाल सलाह की है उते काम चल रहा है असी एक सड़कों पर जोड़े एक्सीडेंट होंगे ने मैं जो MP सी मैं उदों कढ़ा के उतों डाटा बोलिया पार्लीमेंट से पंजाब दे विच पूरे देश चो सब तो वध मौतां होंदियां ने जी 14 मौतां एक दिन च जख्मी तो सैकड़ों हो जाते हैं तो जे इनू आप 14 नू एक साल तक लै जाइए 54-5500 बन जाते जी 5500 बंदे इदां ही मारे जाते रोड एक्सीडेंट दे विच आप किस्मत कह दें किस्मत ऐसी नहीं जे आप सड़कों के
जिहड़े खतरनाक मोड़ ने जां पॉइंट ने उह ठीक कर लईए ते नाल एक पुलिस जिहड़ी है कल्ले सड़कां दे सुरक्षा वास्ते एक बणे उहदा नाम भी असीं सड़क सुरक्षा फोर्स रखांगे। सड़क सुरक्षा फोर्स बनावांगे एक नवीं और नवीं गड्डियां लैके देवांगे उहनां नूं। उहनां दा काम सिर्फ सड़क ते कोई रैश ड्राइविंग कर रिहा उहनूं चलान करना, कोई ट्रक खड़ा है खराब होया उहनूं साइड ते करना, उहनां नूं असीं बड़ियां बड़ियां क्रेनां दे दांगे कि भाई सड़क क्लीयर होनी चाहीदी है। उहनां नूं उहनां दीआं गड्डियां दा रंग अलग होऊगा। अमरीका कनेडा दे विच जिवें उह जांदे ने इक्को ही हुंदा उह पुलिस वाला, पर जिहड़े आले दुआले जिन्ने भी सड़क ते गड्डियां जा रही होंदियां सारियां ध्यान नाल चलण लग जांदियां ने उह जा रहा है। सो इसे तरह असीं इत्थे SSF सड़क सुरक्षा फोर्स तैनात करांगे। उहदे नाल थाणियां वाली जिहड़ी साडी फोर्स आ उहदे तों बहुत ज़्यादा बर्डन घट जूगा कि उह उहनां लई उत्थे थाणे 'च वी ड्यूटी करन दा समां वधूगा ते घर परिवार 'च वी वध समां मिल जूगा। सो मैं अज दे इस दिवस ते तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा DGP साहब नूं और जेलां दे DGP अनुपाल जी नूं और सारे साडे आम आदमी पार्टी तों बहुत सारे धूरी हल्के दे वलंटियर अहुदेदार साहिबान पहुंचे ने, क्योंकि इस हल्के तों ही मैं MLA हाँ, सो उन्हां दा डबल डबल चाह चढ़ जांदा उन्हां नूं। सो बहुत बहुत थोड़ा धन्नवाद सारिआं दा, बहुत बहुत मेहरबानी। तो इसे तरह